वेलकम बैक। लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी ना अभी आपको, क्योंकि अभी शाम का टाइम है, बहुत रात, मतलब अंधेरी वाली शाम हो गई है। 7:30 के अप्रोक्स हुआ है और टिमटिम सोकर उठ गई है, उसको होमवर्क करा दिया है एंड अभी मैं रेडी हो रही हूँ और कहीं जा नहीं रही हूँ। वीक डे है, इतने टाइम को कहाँ जाऊंगी, हस्बैंड तो अभी ऑफिस से भी नहीं आया। मैं एक्चुअली रेडी हो रही थी सुबह से, ऑलमोस्ट 3 बजे से मैं सोच रही थी बहुत इम्पोर्टेंट कुछ वीडियो क्लिप्स बनाने का, और मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रही थी और टाइम होते हुए भी मैंने नहीं किया। सो अब जब अंधेरा हो गया तो अब मैं बैठने वाली हूँ, करूँगी। हस्बैंड ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में आने वाले हैं, सो मैंने सोचा कि अब उनका भी वेट करूंगी, फिर डिनर करूंगी, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इन बिटवीन अगर मेरे काम के वो आ भी जाए तो चलता है, कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए मैं अभी रेडी हो रही हूँ और ये मतलब एक फेस्टिव वीडियो है, DIY से रिलेटेड है एंड आई एम श्योर आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और बहुत मेहनत की है उसके पीछे। एक्चुअली 2 वीडियोस के इंट्रो शूट करने हैं मुझे, इसलिए मैं भी रेडी हो रही हूँ। सोचा आज थोड़ा अच्छे से रेडी हो जाते हैं, नहीं तो मैं मोस्टली वीडियोस बनाने रहते हैं तो बस थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाती हूँ और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाया, आई शेडो लगाना है तो लगाया, नहीं तो लाइनर लगाया और बस हो गया। बट इस बार मैं सोच रही हूँ, मतलब आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा अच्छे से रेडी होने का, तो इसलिए मैंने सोचा कैमरा ऑन करके बैठ जाती हूँ। ये मैं वो शुगर का स्टिक फाउंडेशन लगा रही हूँ और बस बताती जाऊंगी कौन से प्रोडक्ट्स हैं मैं यूज कर रही हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप गूगल कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बहुत सारे कमेंट्स आए हैं शुगर की जो लिपस्टिक्स हैं उनके स्वॉचेस के लिए, सो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इंस्टा पर उसका स्वॉचेस अपलोड कर दूं, लाइक IGT वीडियो। तो अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी आईडी आ गई है, इंस्टा आईडी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने मेरा क्लब फैक्ट्री का हॉल देखा होगा तो उसमें भी मैंने एक हेयर कर्लर वगैरह दिखाया था, तो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैं उस हेयर कर्लर का रिव्यू करूं। सो वैसे एक एक वीडियो मतलब ऐसे छोटी छोटी, देखिए कवरेज कितना प्यारा आ रहा है इसका, एकदम इवन। सो ऐसे एक एक छोटी छोटी चीज का मैं रिव्यू करके YouTube पे डालने से बेटर मैं सोच रही हूँ, जैसे जब मैं यूज करूंगी और जो चीजें ऑलरेडी यूज कर ली है वो अब मैं इंस्टा पर रिव्यू कर दिया करूंगी। और अभी मैं आजकल इंस्टा पर बहुत एक्टिव हूँ, सो अगर आपने नहीं किया है मुझे इंस्टा पर फॉलो तो कर लीजिए। देखिए कितना प्यारा कवरेज आया है, एकदम इवन अच्छा लग रहा है ना। मैं कॉम्पैक्ट तो लेकर ही नहीं बैठी, वन सेकेंड ना। हाँ तो मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, बहुत एक्टिव हो रही हूँ मैं अब इंस्टा पर, और अब इंस्टा पर भी बहुत सारे IGT वीडियोस आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। मैं फेसेस का ये जो फेस पैलेट है ट्रायो फेस पैलेट, इस फेस पैलेट को यूज कर रही हूँ, जैसे जो कॉन्टोर शेड है उसको लेकर के। ये मैंने सिग्मा का ब्रश लिया है, एक्चुअली लाइट अच्छी नहीं है ना तो कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है। लाइटिंग उतनी क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो सिग्मा का ट्रायो पैलेट है इसका मैं हाईलाइटर भी हल्का हल्का सा लेकर के और फेस को हाईलाइट कर दे रही हूँ। एक्चुअली शाम का टाइम है ना तो थोड़ा सा हाईलाइटेड फेस अच्छा लगेगा। एक ही ब्रश से मैंने सब कुछ कर लिया, हाईलाइट भी कर लिया एंड एवरीथिंग। सेकंड एक पतले ब्रश से ना नोज को थोड़ी सी ज्यादा, नोज ऐसे चमकती हुई अच्छी लगती है ना। सो ये भी हो गया, बस लास्टली थोड़ा सा आई मेकअप एंड लिपस्टिक हो गया, बहुत इजी है, सिंपल है। सो आई पैलेट भी मैं शुगर का ही यूज कर रही हूँ, एज आई सेड आज मन किया कि थोड़ा अच्छे से मेकअप करते हैं तो प्रोडक्ट्स भी थोड़े से अच्छे से यूज कर रही हूँ मैं, ठीक है। अभी इसमें मैं ले रही हूँ, आपको बस दिखा देती हूँ कौन से शेड्स हैं, ऐसे एकदम प्रॉपर ट्यूटोरियल तो कर नहीं रही हूँ मैं। सबसे पहले लूंगी ये बिल्कुल लाइट वाला शेड, देन मैं ये थोड़ा सा डार्क शेड लूंगी एंड देन लास्टली मैं लेने वाली हूँ ये ब्लू शेड। लाइटेस्ट शेड है उसे लगाया मैंने एज ट्रांजिशन, देन जो उससे थोड़ा सा डार्क है ब्राउनिश शेड उसे लिया,
मुझे ना ये ब्राउन वाली जो आईज होती है ना, ये बहुत अच्छी लगती है. देन लास्टली मैं ले रही हूँ ब्लू कलर, एंड ब्लू कलर बहुत ही कम लूंगी बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी थोड़ी सी गलती से मेरा पूरा मेकअप जो है वो खराब हो जाए. ब्लू कलर लेकर इसको बस मैं अपनी आउटर वी पे ऐसे लगा दूंगी, एंड देन इनर वी पे भी, और फिर इसको मैं ब्लेंड कर दूंगी. ब्लेंड कर दे रही हूँ, वैसे इसमें ब्लू दिख ही नहीं रहा है थोड़ा सा भी. चलिए मैं ये वाली भी आई में लगा लेती हूँ, देन मैं कैमरा ऑन करती हूँ. बहुत सो लगा लिया मैंने आई शेडो. मैंने बीच में थोड़ा थोड़ा सा कॉपर शेड प्लेस कर दिया, बहुत ही प्रिटी सा लग रहा है ना. बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल. अब बस थोड़ा सा मस्कारा शीट. मुझे काजल भी लगाना था, तो पहले काजल लगा लूंगी, तो फिर मस्कारा लगाना था. कोई बात नहीं, अपर लैशेस पर लगा लेती हूँ मस्कारा, एंड देन ये बैडास एसक्यू बैडास की थोड़ी सी डार्क ब्लू कलर का काजल है. ठीक है, अब लिपस्टिक लगा लेते हैं. मैं लगाने वाली हूँ शुगर की, आई थिंक 07 लगाने वाली हूँ मैं, 08 देखते हैं. 08 सोच रही हूँ मैं, थोड़ा सा नहीं, 08 बहुत डार्क हो जाएगा. वो नहीं, 07 था, मुझे शेड नंबर याद नहीं है. ठीक है, 09 था. यस 09, अच्छा लगेगा इसके साथ में. थोड़ा सा न्यूडिश काइंड ऑफ शेड है, क्योंकि ड्रेस बहुत ब्राइट है, एंड एवरीथिंग इज सो ब्राइट, मतलब सो डार्क और ऐसा एकदम चटक सा. तो जो लिपस्टिक है वो थोड़ी सी न्यूडिश अच्छी लगेगी. सिंपल सी लिपस्टिक. मेरा ये मेकअप ट्यूटोरियल की वजह से व्लॉग इतना लंबा हो जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ. व्लॉग मैं इस चैनल पर पोस्ट करने का सिर्फ एक रीजन है कि मैं आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकूं. मुझे इस चैनल को बहुत कमर्शियल नहीं बनाना है, क्योंकि जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रीति रोज पोस्ट करो, रोज पोस्ट करो. देखो मेरे लिए अगर मैं चाहूँ तो रोज पोस्ट कर सकती हूँ, बट उसमें क्या होगा, बहुत रिपीटेटिव कंटेंट आएगा. रोज जो खा रहे हैं वही बताना, फालतू की बातें करना. इससे मेरा फायदा ही है सिर्फ, इससे मैं मतलब मेरी इनकम को बहुत बढ़ा सकती हूँ. बट मैं नहीं चाहती कि व्लॉग और कनेक्टिविटी के नाम पर मैं कुछ भी दूँ. मेरा बस ये है कि ये जो व्लॉग चैनल है इसको मुझे बस एक आप लोगों के साथ में एक कनेक्शन के लिए चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही प्योर है ये चैनल. इसमें जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं, जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में अटैच्ड हूँ, मुझे इसको वैसे ही रखना है. बहुत हद नहीं करनी किसी का मैसेज आए, तो मैं इसलिए इस चैनल को बहुत ही डेलिकेट वे में हैंडल करना चाहती हूँ. मुझे नहीं पता मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ. लिपस्टिक का शेड देखिए, ये ड्राई हो गई है, कितनी प्रिटी लग रही है. अच्छी लग रही है ना, बस लाइटिंग अच्छी नहीं, फिर भी इतना प्यारा शेड आ रहा है इसका. चलो बस हो गया, बिंदी लगा लेती हूँ एक, और इयररिंग्स पहन लेती हूँ, फिर मैं रेडी. और मैं थोड़ी बड़ी सी ब्लैक मेटल टाइप की ही इयररिंग पहनूंगी, और सोच रही हूँ एक नोज पिन भी ब्लैक मेटल वाला आज पहन लूँ. क्या बोलते हो, कहाँ है मेरे को उसके साथ में ब्लैक सी बिंदी लगानी है. यस ये रही. अच्छी लग रही लिपस्टिक, कितनी प्रिटी लग रही है. और उसके साथ में अगर मैं डार्क सी लिपस्टिक लगाती तो भी अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा सा प्लम टाइप का शेड लगाती, डार्क सा वाइन शेड, तो वो अच्छा लगता. बट ये कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है ना. अगर आपको इन चारों लिपस्टिक्स के स्वॉचेस देखने हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करिए. इंस्टा पर आपको मिलेगा एक IGT वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो, जिसमें आपको इनके स्वॉचेस आराम से मिल जाएंगे. कौन से इयरिंग पहनूं मैं, ये मेरी ऑक्सीडाइज वाला डब्बा लेके बैठी. ये अफगानी पहन लूं, पर ये किस चीज के साथ मैच नहीं कर रहा ना. कंप्लीट ब्लैक मेटल ही पहनती हूँ, ये वाले पहन लो, ये पहन लेती हूँ. बिल्कुल सिंपल से नोज रिंग भी ढूंढना है मुझे, नोज पिन और रिंग व्हाटएवर. ये 50 रुपीज के थे. मेरा सीजन स्मॉल है ना पुणे में, सीजन स्मॉल, उसमें बीच में जो छोटी छोटी सी शॉप्स लगती है ना, वहां से लिया था, ओनली फॉर 50 रुपीज. अच्छा है ना, ये बहुत पसंद है. अब मैं इसमें नोज पिन कहाँ ढूंढूँ, आई थिंक इसमें होगा. यस गॉट इट.
उसके अलावा एक और है जिसमें ब्लू टिंट है यार, वो ब्लू तो मेरे कहीं पे भी मैच ही नहीं कर रहा। चलिए अब मैं ये बंद कर रही हूँ, मैं मेरा वीडियो शूट कर लेती, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। वेलकम बैक। मैंने कल आप लोगों से बात की थी शाम को, नहीं रात, हाँ शाम ही हो रही थी तब, और अब मैं नेक्स्ट डे आपसे बात कर रही हूँ। ये आफ्टरनून है और मैं रेडी हूँ बिकॉज मैं पार्लर जा रही हूँ। मुझे एक्चुअली थ्रेडिंग कराना था और वैक्सिंग वगैरह करानी थी, तो इसलिए मैं अभी पार्लर जा रही हूँ। ये जो ड्रेस है ये बहुत ही ज़्यादा न्यू है, बट वॉश करनी है, दैट्स व्हाई आई थॉट कि पार्लर चले जाते हैं पहन करके, बिकॉज स्ट्रैप्स वाली है तो अंडर आर्म्स वगैरह कराने में बहुत इजी होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पार्लर स्ट्रैप्स वाली ड्रेसेस ही पहन के जाऊँ। तो बस अभी हस्बैंड आज वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम कर रहे हैं, तो वो मुझे ड्रॉप कर देंगे पार्लर, और टिमटिम को जस्ट अभी सुलाया है, सो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के जाया जा सकता है। मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है पार्लर, सो ये बस मुझे बाइक से ड्रॉप कर देंगे पार्लर में। सो बस अब निकलती हूँ मैं। ये लिपस्टिक देखिए कितनी क्यूट है, मतलब अभी आजकल मैं जहाँ भी जाती हूँ ना आसपास मैं ये लिपस्टिक ही लगा कर जाती हूँ। न्यूड सा शेड है, बहुत ही प्रिटी सा ये है। ये देखिए ये है बेला वोस्टे की लिप क्रियॉन, जिसका एक्चुअल प्राइस आई थिंक 160 समथिंग है। ये देखिए इतनी खत्म कर दी है मैंने, आप देख रहे हैं कितना रगड़ा है मैंने इसे। बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन है, बहुत ही प्रिटी लगती है, एकदम प्यारा सा जो न्यूड शेड, जो कि आई थिंक हर स्किन टोन पर अच्छा लगेगा, डस्की हो या फेयर हो। सो मैं आजकल ये बहुत ज्यादा लगा रही हूँ। सो चले फिर क्यों, चलिए ठीक है फिर मैं पार्लर जाके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हॉल में बैठी हूँ मैं, वेट कर रही हूँ हस्बैंड का। 20 मिनट हो गए बोले को कि मैं रेडी हूँ, चलिए अभी तक वो आ ही रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ऑफिस का काम। और फाइनली आज इतने दिनों बाद अच्छी धूप मुझे अभी देखने को मिली है, मॉर्निंग में नहीं थी, मॉर्निंग में क्लाउडी वेदर ही था, बट अभी जब दोपहर से भी ज्यादा हो गया तो अच्छी धूप निकली है, ये आपको दिख रही होगी धूप आ गई है। अच्छा बट आज तो मैंने कोई कपड़े नहीं वॉश करे, अब कल लगाऊंगी मशीन, एंड आई होप कि कल आ जाए धूप। और बहुत आदमी से बहुत सारे लोग कंसर्न करते हैं, अच्छा लगता है मुझे कि टिमटिम को मैं अकेले छोड़कर ना जाऊं। वैसे हम लोग बहुत ही रेयरली उसे अकेले छोड़ के गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया एक आध बार जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब, और या फिर बिल्कुल बगल में जाना होता है, वो सो रही होती है, तो हम ऐसा करते हैं। एंड टिमटिम देखा जाए तो कुछ मामलों में वो बहुत समझदार भी है, उसको पता है कि क्या चीजें उसे टच करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या डेंजरस हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एंड मोस्टली उसको मतलब हम लोग ऐसा समझाते रहते हैं, अगर ऐसा कभी हुआ भी है कि वो सोकर उठी है और मैं अगर वॉशरूम में हूँ उसे नहीं पता, तो वो कभी रोती वोती नहीं है, लाइक वो चिल रहती है, उसको रहता है कि मम्मा अगर कहीं गई भी है तो अभी आ जाएगी। ऐसा एक आध बार ही हुआ है कि वो सोकर उठी है और मैं वॉशरूम में नहीं हूँ, उसके सामने नहीं हूँ, तो वो कभी पैनिक नहीं होती है। सो ये चीज टिमटिम की है। सो खैर आप लोग कंसर्न करते हैं, अच्छी बात है, अपने ही कंसर्न करते हैं, ऐसे हर कोई नहीं करता, बट मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं ये वाला बैग लेके जा रही हूँ, ये बहुत टाइम से बाहर बस ऐसे ही रखा हुआ टंगा हुआ था डोर के पीछे, सो आज दिखाऊंगी, मैंने कहा मैं यूज कर लेती हूँ। ये मुझे शुगर बॉक्स में आया था आई थिंक डेढ़ साल पहले आया था, जब मुझे ये रिसीव हुआ था तब मैंने इसको बहुत यूज किया था, क्योंकि इसका ये कढ़ाई वगैरह कितनी क्यूट लगती है ना, एकदम ट्रेंडी प्रिटी, कलर भी बहुत ही प्यारा है, सो उस वक्त मैं इसको बहुत यूज करती थी। फिर अभी बस रखा हुआ था, अच्छे से भी नहीं रखा था मैंने, बस ऐसे डोर के पीछे टंगा हुआ था, सोचा ये लेके चलती हूँ। और मुझे बहुत काम है यार, कपड़े वगैरह जमाना, अलमारी जमाना, ये सारी चीजें बहुत करनी है, देखती हूँ। आज मन नहीं लग रहा था कुछ करने का, मन ही नहीं कर रहा था। आ गए चले, चलो चलो।
चलती हूँ मैं। पर अभी अकेली आई हूँ, निखिल जी मुझे छोड़कर आ गए थे और पार्लर से सब कंप्लीट करके मैं आ गई। बहुत वॉकिंग मिस्टर ट्रेडिंग वगैरह कराने के बाद फेस अलग ही दिखता है ना। आसम आसम उठ गई टिमटिम। आइए बैठो। तो मैं पार्लर से आ गई, मैंने अच्छे से शाल वगैरह ले लिया क्योंकि मोस्टली पार्लर से आने के बाद में शाल लेना चाहिए, चिपचिपा चिपचिपा लगता है ना, वैक्सिंग वगैरह करा क्या हो तो। और अभी जस्ट मैंने जैसे आपने देखा चाय रखा, मॉर्निंग से दूध नहीं उबाला था मैंने, फ्रिज में रख दिया था लेते से, सो दूध उबलने के लिए रखा। चलो मैं फल्ली खाती हूँ, लेकिन मैं कच्ची फल्ली पसंद है, वो जो गीली फल्ली गीली मूंगफली होती है ना यार, उसको पकड़ के रखिए ना, ऐसे पकड़ के बैठे हो ठीक है। ये है। Oh my God, ये कौन लगा? Oh my God, ये कौन आ गया? आ जाओ, कम हो गई ले लो। देखो मामा क्या खा रहे थे, आपको पसंद है नहीं है टिमटिम? मैं जस्ट यही बोलने वाली थी कि टिमटिम को बहुत पसंद है। मुझे तो पसंद है बट टिमटिम की वजह से ही लेते हैं हम, जब भी सब्जी मंडी जाते हैं और वहां उसको ये फल्ली दिखती है रखी हुई, तो वो बोलती है कि मम्मा मुझे ये खाना है, तो हम बस एक पाव लेते हैं, उसको पानी पिलाना फिर। हाँ, उसको पानी खिला रहे, पहले पानी पिलाओ। तो हम पहले तो हम उसके लिए लेते हैं एक पाव, वो घर आता है 3 दिन तक ऐसे रखा रहता है, फिर बैठ कर हम ही खा जाते हैं। ठंडा तल पानी पिलाओ को पानी नहीं फिर। हम लोग बाहर जा रहे हैं अगेन, क्या नहीं दिक्कत, हम लोग थोड़ा मार्केट नहीं घर के पास ही जा रहे हैं, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लेने हैं टी टाइम के लिए, और बिकॉज एमपी से हैं तो सेव बहुत ज़रूरी है, हस्बैंड को खास करके सेव बहुत ज़रूरी है खाने के साथ में, जो सेव होती है ना नमकीन वाली, मुझे हाँ टिमटिम को भी, सो सेव बिल्कुल फ्रेश होती है, सेव की जगह चलता है। हम लोग आ गए मार्केट से और अभी नीचे आए हैं प्ले एरिया में, और टिमटिम को एक्चुअली खेलना था तो उसको लेकर के आए हैं। वीकेंड है, फ्राइडे है और आज सच कोई प्लान नहीं है, तो सोचा टिमटिम को नीचे ले जाते हैं। वैसे उसको मोस्टली हम नीचे लेकर ही आते हैं, या तो डिनर के बाद नीचे थोड़ा साइकिल चला लेती है वो, थोड़ा घूम लेती है, बट चूँकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो यहाँ प्ले एरिया नहीं आ पा रही थी, सो आज फाइनली लेकर आए हम लोग। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कर देना। Bye-bye.